हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू महादेव की ज्योति। जैसे कि हम सभी को पता है कि सर्दियां आ गई और सर्दियों में हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो फिर हमें स्वेटर पहननी पड़ती है या फिर हमें इस तरह के साल कैरी करना पड़ता है, सालों को ओढ़ना पड़ता है जिससे हम सर्दी को कवर कर सकें, मतलब सर्दी से बच सकें। पर क्या होता है कि स्वेटर हम घर में तो पहन लेते हैं, पर कहीं शादी पार्टी में जाते हैं तो स्वेटर पहन के हमारा सारा लुक ख़राब हो जाता है, साड़ी दुपट्टे सभी का। पर हम कैसे कैरी करें, जैसे कि हम साल को कैरी करते हैं तो वो इस तरह से नीचे आ जाता है और हम इससे परेशान हो जाते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं आता। तो पर देखिए, मैं आज आपके लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स लेके आई हूँ जिससे आप पुराने से पुराने डिज़ाइन के साल को भी अच्छे से कैरी कर सकते हो, कोई कह नहीं सकता कि ये पुराना है। स्कार्फ को भी आप कर सकते हो और वो भी बेबी साल को भी आप बहुत ही अच्छे से कैरी कर सकते हो और बहुत ही अच्छा आप पे लगने वाला है। बहुत ही नई नई ट्रिक्स हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आपने चैनल। तो देखिए, सबसे पहले इस तरह के स्टोल जो कि डिज़ाइनर स्कार्फ की तरह होते हैं तो इनको भी कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है, ये इधर उधर होते रहते हैं, हाथों में हम बहुत देर तक थक जाते हैं इनको अवेड़ते हुए। तो आप क्या कीजिए, एक सेफ्टी पिन लीजिए और सेफ्टी पिन में कोई भी आपके पास वो वगैरह या फिर कोई अच्छा मोती रखा हो उसको इस तरह से बस अटैच कर लेना है जैसा आपको चाहिए, या फिर आप साड़ी पिन को भी अटैच कर सकते हो। सिर्फ एक साड़ी पिन से आप अपने स्टोल मतलब स्टोल या फिर साल को बहुत ही अच्छा लुक दे सकते हो। आप देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से कैरी होगा, ये इधर उधर भी नहीं जाएगा और ये हैंड भी हमारे फ्री है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप अपने स्कार्फ या फिर न्यू डिज़ाइन के साल को कैरी कर सकते हो। इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हो। देखिए, इस तरह से आप इसे साइड में भी कर सकते हो जिससे ये काफ़ी न्यू लुक देगा, काफ़ी ट्रेंडी लगेगा। तो आप देखिए, इस तरह के पुराने साल हर किसी के घर में होते हैं और आजकल तो सब लोगों ने इनको यूज़ करना ही छोड़ दिया क्योंकि ये काफ़ी पुरानी डिज़ाइन हो गए। पर ये बहुत ही गर्म साल होते हैं पर आप इनको यूज़ नहीं करते। तो आप क्या कीजिए, आपके पास भी इस तरह का गर्म साल है तो आप इसे फेंकिए मत, आप इसे बहुत ही अच्छे से इसे नई डिज़ाइन दे सकते हो, नए तरीके से यूज़ कर सकते हो और एकदम स्टाइलिश लगने वाला है ये। तो आपको क्या करना है, साल को बराबर रख लेना है, फिर इसके बाद 14 इंच रखना है, छोड़ना है और फिर से 14 इंच पर आपको निशान लगाना है, इन दोनों निशानों को मिला देना है। और आप देखिए, कोई भी नई डिज़ाइन की डिज़ाइनर लेस लेनी है आपको जो कि ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाली हो, क्योंकि ये साल हमारा पुराना भी हो गया है और थोड़ी इसकी डिज़ाइन भी इतनी दबी हुई है। तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी वाली लेस लीजिए। और अगर आपका एम्ब्रॉयडरी वाला सोल है तो आप प्लेन लेस लीजिए और बस जो हमने ऐसे निशान बनाए थे वहाँ से वहाँ तक आपको 14 इंच की लेस लेकर इस तरह से मशीन से अटैच कर देना है। अगर आप सुई धागे से करते हो तो बारीक धागे से, सुई धागे से भी आप इसको कर सकते हो। और अगर आपको इसको मतलब निकाल के यूज़ करना है जिससे कि आप निकाल कर भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप थोड़े दिन बाद आपको मतलब ये अच्छा नहीं लगता है तो आप इसको यूज़ करने के बाद इसको खोल भी सकते हो, इससे सोल का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो देखिए, दोनों को बराबर करते हुए मैंने लेस को रख लिया है, क्योंकि ये थोड़ी डिज़ाइनर लेस है तो थोड़ा सा इसका जो कोने वगैरह है इनको ढककर हम बिल्कुल प्लेन सिलाई चला देंगे। बहुत ही ईजी इसको चलाना रहेगा, ये जो दब रही है इसको छोड़ के चलाना है आपको एडजस्ट करते हुए। बस 14 इंच की लेस आपको लेना है और बस इसको एक तरफ से सिलाई लगाने के बाद, ये देखिए एक तरफ से मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम दूसरी भी तरफ जहाँ से हमने को बराबर रख के जो हमने निशान लगाया था वहीं पे आपको लेना है और उधर से भी इसको आपको अटैच कर देना है थोड़ा सा गेप रखते हुए। ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ वीडियो में, सिर्फ इससे ही करना है आपको। देखिए, रखते हुए ये काफ़ी ईजी हो जाएगा इसको लगाना और इस सर्दी आप बहुत ही ट्रेंडी और बहुत ही स्मार्ट लगने वाले हो अगर आपने ये चारों आइडियाज़ यूज़ कर लिया। तो देखिए, मैंने मशीन लगा ली है। आप थोड़ा सा इतना ध्यान रखना कि जो आप कलर धागा लो वो एक सेम कलर का हो, थोड़ा मेरा दिख रहा था। और देखिए, इसको पहनना कितना इजी है और इसको कैरी करना और भी ज़्यादा इजी होगा और ये एकदम नया लुक दे रहा है, एकदम ट्रेंडी स्वेटर की तरह ये लुक दे रहा है, काफ़ी मतलब सुंदर लग रहा है। और आप इसे भी दो तरीके से वेयर कर सकते हो, एक तो ये सिंपल जो कि मैंने बता रखा है और इसको भी आप साइड से भी यूज़ कर सकते हो जिससे कि ये स्लीव्स पर ये डिज़ाइन लेस आ जाएगी तो काफ़ी मतलब अच्छा लगेगा ये आपका लुक और आपको काफ़ी तारीफें मिलने वाली है ये वाले लुक करने के बाद। देखिए, ये तो मैंने पहला बताया, दूसरा हो चुका है, तीसरा मैं आपको फिर से बताती हूँ। अगर आप इस साल में कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना चाहती तो आपको क्या करना है, सोल को कंधे के पास में से अच्छे से मतलब इस तरह से बराबर आपको रख लेना है और फिर क्या करना है, इस तरह से पकड़ना है।
ऊपर और दोनों ऊपर नीचे दोनों के साइड के सोल को पकड़ना है और बस सेफ्टी पिन लेना है आपको। आप कोई भी सेफ्टी पिन ले सकते हो, छोटा बड़ा कोई भी। एक सेफ्टी पिन को इस तरह से रखिए, दो तीन बार इसको ऐसे टांग के जैसे हम मारते वैसे करिए। और फिर इसके बाद क्या कीजिए आप, एक साइड से ओपन रखने के बाद इसमें एक मोती पिरो दीजिए सोल में, जो कि बहुत ही अच्छा लुक देने वाला है आपके सोल को। और अगर इस सर्दियाँ आपने ये वाले सारे हैक कर लिए ना, तो आपके सोल को मतलब कैरी करने के मतलब इस तरीके से सब लोग इम्प्रेस हो जाएंगे और सब आप लोग आपकी तारीफ़ें ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये आइडियाज़ एकदम न्यूज़ है, किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा। ये बहुत ही नए नए आइडियाज़ है अगर आप अपने साल को फिर से रीयूज़ करना चाहती हो तो। देखिए इस तरह के साल तो आजकल सब लोगों ने पहनना ही बंद कर दिया है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो गया है। अब हमने सीधे साइड में इसको रखा है और फिर देखिए इसको इस तरह से पलट लेंगे तो पिन हमारा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, सेफ्टी पिन। और ये एकदम से एकदम मतलब नया लुक लेके आएगा आपके। इससे क्या होगा कि ये आपके सोल को तो नया लुक देगा और आपको कैरी करने में भी ये काफ़ी आसान हो जाएगा, इधर उधर आपके हाथ नहीं होंगे। तो देखिए आपने जिस साइड से अपना मेजरमेंट लिया था उसी साइड से आपको इसको पहनना है। तो देखिए आपके हैंड भी फ्री हो गए हैं, सोल भी कहीं नहीं जा रहा है और इधर उधर से हवा भी नहीं लगेगी, आपको सर्दी भी नहीं लगेगी और काफ़ी सुंदर ये लुक दे रहा है। अगर ये तो दो तीन अगर आपने यूज़ कर लिए ना ये आइडियाज़, तो आप डेफिनेटली एकदम स्मार्ट होने वाले, स्मार्ट लगने वाले हो। तो देखिए अब अगर आपको ये भी कैरी करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब ये भी इधर उधर जा रहा है, तो आप क्या कीजिए दोनों पेंट को साथ में अटैच कर लीजिए, तो ये एकदम स्वेटर की तरह लगने लगेगा। आप यहाँ बीच में कुछ मतलब डिज़ाइनर कुछ भी लगा सकते हो, या सेफ्टी पिन मतलब जो बटन्स वगैरह होती हैं वो लगा लीजिए, या फिर आप साड़ी पिन डिज़ाइनर साड़ी पिन आते वो लगा लीजिए, और मैंने वो लगाया है। तो देखिए कितना प्यारा ये लग रहा है, कोई भी इसे मतलब तारीफ़ें किए बिना आपको छोड़ेगा नहीं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, एकदम स्वेटर की लुक दे रहा है। तो आप देखिए लास्ट वाला हम देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह की बेबी सोल सभी के पास होती, पर क्या होता है कि हमारे बेबीज़ तो बड़े हो जाते हैं और ये कोई यूज़ में ही नहीं लेते हम, तो ये आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो। देखिए ये बहुत गर्म सोल होती है बेबीज़ की और ये आपको सर्दी से बहुत ही अच्छे से बचा सकती है। आप इसे घर के लिए भी यूज़ कर सकते हो और अगर आपकी सोल एकदम नई है तो आप इसे बाहर भी कहीं भी ट्राई कर सकते हो। तो सेफ्टी पिन लेना है, चार सेफ्टी पिन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए थोड़ा सा इसको ओवरलेप करके आपको पिन को लगा लेना है और इसमें एक बीच में मोती भी डालोगे, जिससे ये काफ़ी अच्छा लुक देने लगेगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। और आप देखिए ऊपर साइड में ये इधर उधर होगा, वहाँ पे भी आपको एक सेफ्टी पिन लगा लेना है, या फिर आप कोई भी डिज़ाइनर साड़ी पिन लगा सकते हो जहाँ मैंने वो लगाया है। और कोई कह नहीं सकता कि ये आपकी बेबी की सोल है, ये बहुत ही ट्रेंडी तरीके की स्वेटर लगने लगी है। आप इसे भी तो दो तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे उसका वीडियो को लाइक कर देना, मिस्टे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।